टू द चैनल। और इस वीडियो में आपको बहुत सारे अपडेट बताने वाला हूँ एजुकेशन के फील्ड से रिलेटेड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आप लोग अगर नए हो चैनल पे तो इस चैनल को प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर देना अगर वीडियो अच्छी लगे, एंड यस गाइस शेयर भी कर देना ताकि दूसरों तक ये जानकारी पहुँचे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। एंड पहला अपडेट जो आ रहा है वो आ रहा है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में जो है स्कूल खुलने वाले हैं जून 15 से। जी हाँ गाइस, बट ये स्कूल फिजिकली ओपन नहीं होने वाले हैं, ऑनलाइन क्लासेस होंगी वहाँ पर भी। एंड ये डिसीजन इसीलिए लिया गया है ताकि कोई भी एजुकेशन लॉस ना हो स्टूडेंट को। जैसे हम लोग जानते हैं कि महाराष्ट्र में बहुत ही बेकार सिचुएशन है इस टाइम कोरोना वायरस के कारण। तो लेट्स सी कि इसमें और क्या क्या होता है। बट इस पर जो है एक अपडेट भी आई है। विशाल सोलंकी जो है एजुकेशन कमिश्नर है, उन्होंने ये बताया था कि हम लोग एकेडमिक ईयर को जून 15 से स्टार्ट कर रहे हैं ताकि इस साल का जो बच्चों का लॉस ना हो ज़्यादा। एंड यस गाइस, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ टेक्स्ट बुक जो है वो परमिटेड है, मतलब अलाउड है, और डिजिटल स्टडी होगी। तो ये जो है जून 15 को चालू हो जाएगा। और हालांकि अभी तक यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी MHA ने कोई डेट नहीं डिसाइड की है कि कब फिजिकल स्कूल ओपन होंगे, बट तो भी जुलाई एक ऐसी डेट आ रही है, एक ऐसा मंथ आ रहा है शायद उसमें खुल सकता है। सो लेट्स सी आगे क्या होता है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। यस गाइस, नेक्स्ट अपडेट आ रही है CBSE के 10th और 12th बोर्ड एग्ज़ाम से रिलेटेड। जैसे कि हम लोग को पता है कि जुलाई 1st से जो है आपके जो बचे हुए एग्ज़ाम्स हैं वो स्टार्ट होने वाले हैं। बट इस पर ये प्रॉब्लम है कि कुछ बच्चे जो हैं जो अपने रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट में नहीं है, मतलब जहाँ पर वो पढ़ते हैं उस डिस्ट्रिक्ट में नहीं है, वो लोग कहीं और पर हैं। तो इसके रिलेटेड जो है आज HRD मिनिस्टर जो है कुछ बताने वाले हैं, आज इवनिंग में वो कुछ अनाउंस करने वाले हैं। तो लेट्स सी वो अगर क्या बताते हैं, कुछ अगर नया चीज़ बताएंगे तो मैं आपको ज़रूर बता दूंगा। उसके लिए आपको मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी चालू करना पड़ेगा। जैसे कि आप उनका ट्वीट देख सकते हैं कि अटेंशन स्टूडेंट्स हु आर करंटली नॉट इन द सेम डिस्ट्रिक्ट एज देयर बोर्ड एग्जामिनेशन सेंटर, वी हैव अ मेजर अनाउंसमेंट कमिंग देयर वे दिस इवनिंग, स्टे ट्यून्ड। जी हाँ गाइस, सो लेट्स सी क्या होता है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट पे। यस गाइस, नेक्स्ट अपडेट आ रही है कि IGNOUTE जून 2020 ने अपनी लास्ट डेट फॉर एग्जामिनेशन फॉर्म की सबमिशन को बढ़ा दी है। जी हाँ गाइस, उसकी जो एग्जामिनेशन फॉर्म सबमिशन डेट है उसको आगे बढ़ा दिया गया है। एंड ये जो डेट है वो जून 15 तक एक्सटेंड हो गई है। और इसको इसलिए बढ़ाया गया क्योंकि लॉकडाउन पीरियड जो एक्सटेंड हो गया था और उसके कारण जो है कुछ बच्चे जो है अपना फॉर्म सबमिट करने में पॉसिबल नहीं थे, मतलब वो वहाँ पर थे ही नहीं तो वो कैसे सबमिट करते। ओके गाइस, तो लेट्स आगे क्या अपडेट आते हैं, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर। जैसे कि गाइस, कल मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि बिहार बोर्ड का जो रिज़ल्ट आ गया है, एंड इवन वहाँ पर जो टॉपर है हिमांशु राज है। तो आज मेरे पास कंप्लीट डिटेल्स है कि कौन से बच्चे कौन से रैंक पे आए एंड टॉप 10 में कितने बच्चे हैं। तो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3, रैंक 4, रैंक 5 अप टू रैंक 10 पर कितने बच्चे हैं। सो बहुत सारे बच्चों ने शेयर किए हैं बहुत सारे रैंक। एंड इवन इस पर जो है गर्ल्स की जो टॉपर है जूली कुमारा, उन लोगों उन्होंने अपना ड्रीम बताया कि वो इंजीनियर बनना चाहती हैं। उन्हें 478 मार्क्स आए हैं 500 में से। एंड उन्होंने ऑल ओवर जो है थर्ड रैंक लिया है बिहार में। एंड उन्होंने ये भी बोला कि मैं अपने मार्क्स से बहुत हैप्पी हूँ, मैंने बहुत वर्क हार्ड किया है, एंड मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि अच्छे खासे मार्क्स आएंगे मुझे, बट अच्छा लगा कि मेरा जो हार्ड वर्क है वो मुझे पे ऑफ कर गया। एंड इवन उन्होंने ये बताया कि मैंने बहुत ही सिंपल शेड्यूल रखा था, मैं दिन के 16 घंटे पढ़ते थे, हाँ बीच में ब्रेक्स तो लिया ही करती होंगी, बट तो भी गाइस 16 आवर्स एक बहुत बड़ी चीज़ है। हाँ ओके, तो लेट्स सी और आगे क्या बताया गया है। 3 स्टूडेंट जो है वो सिमुलथला आवासीय विद्यालय से हैं टॉपर्स में। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और अपडेट्स के लिए। यस गाइस, नेक्स्ट अपडेट आ रही है वो आ रही है हमारे डिफेंस के सेक्टर से। जी हाँ गाइस, इंडियन एयरफोर्स को जो है उनका LCA तेजस फाइटर प्लेन जो है आज मिलने वाला है, सेकेंड फाइटर प्लेन मिलने वाला है। और ऑलरेडी फर्स्ट तो मिल चुका था, अब ये नया स्क्वाड्रन में ज्वाइन होने वाला है। तो लेट्स सी इसमें क्या क्या चीज़ें और आती हैं, ये आप देख सकते हैं। सब के बारे में जो है स्क्रीन पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है, तो आप इसे पॉज कर पढ़ सकते हैं। ओके गाइस, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट के ऊपर। तो गाइस, नेक्स्ट अपडेट जो आ रही है वो आ रही है केरला से। केरला में जो बचे हुए बोर्ड एग्जाम थे वो स्टार्ट हो चुके हैं। एंड यस गाइस, वहाँ पर जो है बहुत सारे नॉर्म्स को फॉलो किया जा रहा है। जी हाँ गाइस, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की जा रही है। एग्ज़ाम सेंटर में एंटर होने से पहले बच्चों को जो है हाथ धुलाए जा रहे हैं सैनिटाइजर से। जी हाँ गाइस, और उनका टेम्परेचर भी चेक किया जा रहा है। एंड यस गाइस, वहाँ पर जो है सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेनिंग की जा रही है। जैसे कि आप सब देख सकते हैं, एक बेंच पर खाली 2 जन को बिठाया जा रहा है, एंड क्लास में और सिर्फ 20 बच्चों को ही बिठाया जा रहा है। तो लेट्स सी क्या चीज़ें आगे होती हैं। एंड यस गाइस, टीचर्स को भी जो है जो इन्वेस्टिगेट कर रही हैं इस चीज़ों को, उन लोगों को भी ग्लव्स और मास्क पहनकर
एंट्री दी जा रही है। एंड इवन एक कंपल्शन है कि अगर आप मास्क पहन के नहीं आए तो आपको एग्ज़ाम देने नहीं मिलेगा। तो ये एक अच्छी चीज़ है, लेट्स सी आगे क्या क्या होता है इस चीज़ पे। बाकी गाइस ये अपडेट है कि इस कर्नाटका में जो है स्कूल और जुलाई 1 से स्कूल ओपन होने वाले हैं। एंड जैसे कि मैंने आपको कल वीडियो में बताया था कि जुलाई में 30% अटेंडेंस के साथ स्कूल वापस से खुलेंगे। तो लेट्स सी कि आगे और क्या क्या अपडेट्स आती है। उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और गाइस इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए ताकि सब लोगों को पता चले क्या क्या अपडेट्स हो रहे हैं एजुकेशन के सेक्टर में। तो लेट्स सी आगे क्या होता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे कुछ और अपडेट्स के साथ। सो सी यू गाइस इन माई नेक्स्ट वीडियो।